हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी सब्जी की रेसिपी, जिसका नाम है सोया चंक्स की सब्जी। इसे घर पे बनाना बहुत आसान है। अगर आपके घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल ना हो तो आप इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें एक बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रखना है। पानी में एक उबाल आ जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये सोया चंक्स। यहाँ पे मैंने फॉर्च्यून के सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है, ये वाले। आप चाहे तो किसी भी चंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 5 से 7 मिनट के लिए हमें पानी में उबालना है। 5 से 7 मिनट के बाद हम स्टव को ऑफ कर लेंगे। अब इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से एक छन्नी में निकालना है इसे। निकालने के तुरंत बाद ही हमें इसमें ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए और जल्दी से ठंडे भी हो जाए। इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे ज़्यादा नहीं छोड़ना है, सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए ही छोड़ना है। इसके बाद इसे ऐसे हाथ से निचोड़ के एक प्लेट में लेना है। इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे सारे चंक्स को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अब यहाँ पे एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये चंक्स। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हल्का सुनहरा रंग आने तक फ्राई कर लेना है। ऐसा करने से सब्जी जो है वो आखिर में ड्राई नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हल्का सुनहरे रंग हो चुके हैं, अब स्टव को ऑफ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे फिर से। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो ये 2 इलायची और 1 तेज़पत्ता डाला है मैंने। इसके साथ डालेंगे ये 1 ड्राई रेड चिली। अब इसमें डालेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें चॉप्ड ऑनियन, इसको भी हमें सुनहरा रंग आने तक पका लेना है। अब इसके साथ डालेंगे ये चॉप्ड टमाटर, टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से पका लेना है। आप चाहे तो ऑनियन और टमाटर की ग्रेवी करके भी इस सब्जी को बना सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले ये रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, इसे थोड़ा और डालेंगे। यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले कितनी क्वांटिटी में लिए हैं वो सब मैंने हर एक वीडियो की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मिक्स करके इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी ज़्यादा नहीं बल्कि 4-5 चम्मच जितना ही डालना है। अगर आप चंक्स को फ्राई नहीं करते तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालना। पानी में हल्का सा उबाल आ जाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये फ्राई की हुए हमारे चंक्स। मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चंक्स को फ्राई नहीं करते तो पानी ज़्यादा डालना है, क्योंकि चंक्स जो है वो पानी सोख लेते हैं सब्जी में से। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और उसके साथ डालेंगे हल्की सी कसूरी मेथी। इसे हाथ में रब करके ऐसे डालना है। ये सब्जी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है सोया चंक्स में।
आखिर में हम इसमें डालेंगे ये एक चम्मच जितना दही। दही आखिर में डालने से दही फटता भी नहीं है और इसका जो फ्लेवर है सब्ज़ी का वो भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए सोया चंक की सब्ज़ी में हमें हमेशा दही आखिर में ही डालना है। इसे हम 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल के इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सोया चंक्स की हेल्दी सी सब्जी रेडी है।